मॉडर्न आर्ट में ए से लेकर जेड तक लेटर्स लिखिए। ये एक नई विधा है लिखने की, जिसमें आपको आनंद भी आएगा और नए अक्षर भी लिखने आ जाएंगे। आज हम इस तरह से अंग्रेजी के अक्षर लिखेंगे जैसे कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे और ना ही कहीं आपने देखे होंगे। ये आपको नए जरूर लगेंगे लेकिन इसमें आनंद आएगा लिखने में। तो हम ए बी सी डी लिखेंगे और आप भी कोशिश करें कि इसी तरह से लिखें और इसमें मज़ा भी आएगा, आनंद भी आएगा और साथ में आपको नई टाइप जो है लेटर्स जो है लिखने को मिलेंगे। हम चलते हैं ए से। ये ए है, बहुत जल्दी यानी हमें रुकना नहीं पड़ेगा इसे लिखने के लिए। हम इसे दोबारा लिखते हैं और एक ही जगह से हम यानी पेन रखेंगे और ये देखिए बस सिर्फ ये उठाया हमने, बाकी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें ऐसा भी नहीं है, ये मॉडर्न आर्ट है। मॉडर्न आर्ट में ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक वो होता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। इसमें आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। अब इसी तरह से आप ए जो है आप ऐसे भी बना सकते हैं, किसी भी तरह से ए जो आप बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें शेड जरूर करेंगे लेकिन अभी आपको हम सिर्फ अक्षर बनाने बता रहे हैं। ये इसमें इस तरह से भी जैसी जैसा आपके पास जगह है उसी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास चौड़ाई में स्पेस है तो आप चौड़ाई में बना सकते हैं, ऊंचाई में ज़्यादा स्पेस है तो हम ऊंचाई में इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा ए है। हाँ, ये जो जितने भी अक्षर होंगे उनमें कुछ अक्षर ही यानी कुछ लेटर्स ही ऐसे होंगे जिसमें हमें चौक या पेन उठाना पड़ता है, बाकी को उतनी ज़रूरत नहीं है चौक उठाने की। अब बी के लिए थोड़ा सा उठाना पड़ेगा हमारे को। ये बी ऊपर बड़ा नीचे छोटा ऐसा भी कर सकते हैं और आप नीचे का हिस्सा बड़ा ऊपर छोटा ऐसा भी बना सकते हैं और बराबर भी बना सकते हैं। ये हमारी बी है। उसके बाद हम सी की तरफ को चलते हैं। ये सी है, कोई वो नहीं है, इसमें कलम पेन या चॉक उठाने की जरूरत ही नहीं है। सभी इसमें ये देखिए सी और मॉडर्न, बिल्कुल मॉडर्न आर्ट के तहत आएगा और साथ में इसमें समय कम लगेगा और खूबसूरत भी अच्छा आएगा। अभी तो हम सिर्फ बना रहे हैं, जब इसको हम अच्छे उसमें लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। डी के लिए भी, इसके लिए भी थोड़ा सा उठाना पड़ेगा आपको। ई, इसमें आपने बिल्कुल नहीं उठाना और बहुत ही बढ़िया आपका अक्षर बनेगा, लेटर बनेगा ई। फिर दोबारा बनाते हैं। जगह के अनुसार जैसा आपके पास स्पेस है, जैसी जगह है, अगर आपके पास चौड़ाई में है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए एक ही, अब एक ही बार में जो है आप एक अक्षर बना सकते हैं। एफ, ये देखिए एफ, एक ही बार में हम यानी हम उसमें नहीं उठाएंगे। ये देखिए ये एफ, जी, ये देखिए जी, ये थोड़ा आगे आने देना है और यहां से ये देखिए बहुत ही यानी यूनिक चीज है। इसमें ना तो कोई फूटा लगता है, ना कोई रबर लगता है, कुछ नहीं। एक ही बार में पेन लिया और अक्षर बना दिया। ऐसा भी नहीं है कि जी यहां से इधर हो गया उधर हो गया, जैसा बनाया ठीक होता है। दोबारा से देखते हैं जी को। अब जरूरी नहीं है कि जी वैसे ही बनानी है जैसी कि ये, आप और बना लो।
जरूरी नहीं कि वही जैसी बनाई एक बार बनी वैसी दोबारा बने। ये जी है, उसके बाद हम एच, ये देखिए एच बहुत खूबसूरत बनता है एच भी, ये एक ही लाइन से, ये देखिए एच, ये अक्षर जो है बच्चों को बहुत अच्छे रहेंगे और उनको आनंद भी आएगा इसको बनाने में। ये देखिए एक ही बार में हमने पूरा बना दिया, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है ऐसे 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 करके बनाना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी नई विधा हमने खोज की है, ये लगभग 50 साल पहले इन अक्षरों की खोज की थी मॉडर्न आर्ट में, जब हम ट्रेनिंग में हुआ करते थे तब हमने ये अक्षर जो है वो सीखे थे। सीखे क्या मतलब, यानी खोज की थी हमने इस तरह के अक्षरों की, और आज जो है वो हम काफी प्रचलन में भी है, ऐसे नहीं फॉरेन से भी प्रचलन में आए हैं, लेकिन ये 50 वर्ष पहले इसको हमने ईजाद किया था, यानी इसकी खोज की थी। एच के बाद आई, आई में थोड़ा सा अगर हम ऐसे बनाएंगे तो आई जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम आई को जो है अगर ऊपर से इस तरह से हम लगा लेते हैं तो अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, आई आप ऐसे ही बना सकते हैं आई, और या फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इस तरह से आई। जे, जे भी बहुत अच्छी बनती है, ये देखिए जे, ये देखिए जे, एक ही बार में हमने इसको यहां से लिया और वापस आके हमने मिला दिया और जे हमारी मॉडर्न आर्ट में बन गई। ऐसी जो लिखाई है ऐसे अक्षर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो एक दो अक्षर मिलेंगे, पूरे के पूरे जितना भी वर्ड वर्णमाला है वो आपको नहीं मिलेगी। जे फिर बना लेते हैं, ये देखिए नीचे ऊपर हो लंबाई में हो इसे भी आप कर सकते हैं, अगर मान लो ज्यादा नीचे को जगह है तो आप ये ऐसे ले लें। जे के बाद के बहुत सुंदर है, के भी ये देखिए के, ये देखिए के बहुत सुंदर के, एक ही बार में पेन हमने उठाया ही नहीं, हमने चौक उठाया ही नहीं और हमने के बना दी। सारे अक्षर इसी तरह से हम बनाते हैं और समय बर्बाद नहीं होता है। अगर मान लो कोई अच्छी डेकोरेशन करनी है, अच्छे बच्चों को लगाए रखना कि भाई लिखो इस तरह से, तो उनका दिमाग जो है उसमें अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी, और जो माँ बाप हैं उनको भी बच्चों को कहीं ना कहीं बिजी रखने का एक मौका मिल जाता है। तो जे के फिर देखना, के फिर हम देखते हैं के को, ये देखिए के कैसे बनती है, हम दोबारा बनाएंगे इसे, ऐसी कोई बात नहीं। ये के फिर हम दोबारा भी इसे बनाएंगे अभी और अच्छी तरह से। उसके बाद एल, एल भी बहुत सुंदर बनता है, ये देखिए एल, ये ऐसे यहाँ से ये हूँ और ये एल बहुत सुंदर बनता है, इसे दोबारा से बनाते हैं, ये देखिए ये एल। ये हमारा एल था, और अब एम देखिए, एम भी बहुत सुंदर बनता है, एक ही बार में हम एक जगह से पेन या जो चौक है वो ले जाएंगे और पूरा एम हमारा बन जाएगा, देखिए बहुत सुंदर बनेगा, ये देखिए। फिर बना देते हैं ये नीचे, ये इस तरह से, और आप पीछे भी रख सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है, ये तो आपकी अपने उसकी है, ऐसे भी रख सकते हैं इसको, ऐसे भी ला सकते हैं, नहीं तो आप सीधा यहां भी मिला सकते हैं इसको, लेकिन यहां जो है वो इसमें खूबसूरती तभी आएगी अगर हम इसको इस तरह से मिलाते हैं, यूनिक सी चीज हो जाती, नहीं तो हम तो ऐसे आगे पीछे भी ऐसे ही हम होते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा उसमें नई पुट भी आ जाए इस तरह से हम लिख रहे हैं। एन, एन भी बड़ा खूबसूरत बनता है, एन ये देखिए एन, ये एक मिनट एन, इसे दोबारा बनाते हैं, ये ऐसे एन फिर बना लेते हैं थोड़ा और भी ताकि सुंदर बने एन। ओ तो आसान है, ये आपने दायरा सा बनाना है, आप लंबाई में चौड़ाई में और साथ में बीच में इसने एक और सिफर लगा दी,
अब ये सिफर जो है जो बीच में लगानी है वो आप यहां भी लगा सकते हैं, आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपको ओ ही नजर आएगा। ये जो है अगर लंबाई में है जैसे भी है, अगर मान लो इस तरह से है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ओ। उसके बाद पी, पी भी एक बहुत बड़ी अक्षर है, ये देखिए ये, और इसमें बीच में थोड़ा सर्कल, इसे दोबारा से बना लेते हैं, ये देखिए इसको, इस दायरा जो हमने बनाया सर्कल, इसको छोटा भी बना सकते हैं बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा बनाना है तो छोटा भी बन सकता है। पी क्यू के लिए थोड़ा सा जो है आपको सोचना पड़ेगा, ये देखिए ये यहां से ये यू और ये बाहर का बन गया हमारा, और अंदर के लिए जो हमें यहां से इसको ये यहां मिला के ये, ताकि ये साथ के साथ आ जाए दोनों जो है, वो तभी हमारा क्यू ठीक बनेगा जब यहां इसके सामने ही ये हमारा बनेगा। क्यू को फिर बनाते हैं, ये बाहर का बन गया, अब अंदर के लिए हमारे को क्या है कि यहां जो है जहां हमने ये इसके सामने जो है वो हमें इस तरह से बनाना है, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसको, कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही है। कहीं भी रखेंगे आप क्यू जो है आपका, ये और यहां पर जो है लाइन ये साथ के साथ होनी चाहिए ताकि लगे कि ये इधर की लाइन है। क्यू आर, आर भी बहुत ही बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा अभ्यास तो करना ही पड़ता है। आर देखिए हमने यहां से लिया और सिर्फ ये हमने सर्कल बीच में लगाया, बाकी हमने एक ही बार में जो है पूरा आर बना दिया। इसमें खासियत यही है कि हम कोई भी अक्षर जो है वो जहां से शुरू करेंगे वहीं वापस आके समाप्त होगा। आर फिर बनाते हैं, इसमें वेरिएशन दे सकते हैं आप आर में, लंबाई में मतलब अगर वो जगह चौड़ाई में है तो चौड़ाई में भी बना सकते हैं, हाइट में हाइट, सभी अक्षर है इसी तरह से, सभी लेटर्स जो है वो इसी तरह से बना सकते हैं। एस, एस भी थोड़ा सा बाकियों से मुश्किल है क्योंकि इसमें जो है वो अक्षर जो है वो लंबा इसकी, तो यहां से हमें एस के लिए शुरू करना पड़ेगा, ये देखिए और ये वहीं जाके जहां से हमने शुरू किया था वहीं हमने इसको मिला दिया और हमारा एस बन गया। ये मॉडर्न आर्ट में है इसलिए इसकी ये नहीं कि वैसा ही बने जैसा होता है, कोई जरूरी नहीं है, एस सिर्फ हमें दिखना चाहिए कि हमारा ये जो है वो एस जो है वो आप ऐसे ही बना लो, कोई जरूरी नहीं आगे तक लाना, आप ऐसे बना दीजिए। लेकिन जहां से हमने शुरू किया था बनाना वहीं वापस आके समाप्त किया हमने और ऐसा हमारा बन गया। टी, टी भी एक बहुत खूबसूरत अक्षर है, ये देखिए ये टी, कोई नहीं मोटा है पतला है क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ एक पता चलना चाहिए कि टी बनी हुई है। फिर एक बार बनाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा आप ऐसे बना, ये ध्यान रखना है कि ये और ये लगभग जो है ना यहाँ से यहाँ ये बराबर हो, ना भी हो वैसे तो कोई जरूरी नहीं है, पर फिर भी ये ऐसे भी हम ले सकते हैं, पर थोड़ा सा देखिए ये तिरछा हो गया, इसलिए अगर एक ही जगह से जो है वो ध्यान तो रखना पड़ेगा। आर एस टी, यू, यू भी अच्छा बनता है, ये देखिए ये और यू, आर एस टी यू फिर बनाते हैं, यू को आप सीधा भी ले सकते हैं, ऐसा भी कोई नहीं, थोड़ा सा ये जो है यहाँ ये आना चाहिए थोड़ा सीधा जरूर, क्योंकि वी भी हमारी ऐसी ही बनती है लगभग, तो इसलिए यू में जो है वो ये जो अगर हम बाहर को निकालते हैं वो इसीलिए है ताकि यू का आभास हो, ज्यादा ऊपर भी नहीं, फिर ये उल्टा जे हो जाएगा तो लगेगा ये क्या बना, तो इसलिए इसको इसी तरह से बनाए यू वी। अब देखना वी में जो है ना हमें यू लेना है, ये या इसे हम ये ऐसे लेना,
फिर बनाते हैं। ये देखिए ये यहाँ से जैसे भी बनता है, सिर्फ शक्ल आनी चाहिए कि वी बनाओ। डब्ल्यू डब्ल्यू थोड़ा सा और एम और डब्ल्यू एक ही तरह के हैं, लेकिन एक सीधा बनता है एक उल्टा बनता है। तो ये जो है वो ऐसे, ये देखिए ए, हालांकि इसके ऊपर आना चाहिए लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो शक्ल आपकी डब्ल्यू की बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। हम फिर बनाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इसी के ऊपर जो है हमारा ये एक्स एक्स के लिए भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे को जो है वो ये साथ के साथ जाना चाहिए। ये ध्यान रखें कि इस तरह से ये यहाँ से नीचे ये और यहाँ इसके साथ ही जब पहुंचेंगे तो यहाँ से ये ऊपर और फिर बनाते हैं ये ऐसे क्यों ये इस तरह ये मतलब एक तरह से फूल टाइप बन जाएगा ये हमारा एक्स। ये अगर थोड़ा नीचे आए तो और अच्छा है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हमारे को तो एक्स से मतलब है। यहां भी अगर थोड़ा ऐसे हो जाए तो ये अभ्यास पर बात। एक्स वाई वाई के लिए भी आपको ये देखिए वाई और भी दूसरी और तरीके से भी बना सकते हैं थोड़ी सी आप ये भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। वाई और अब जेड बस जेड लगना चाहिए कि जेड है, पतला मोटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट में कोई वो नहीं है, लेकिन लगना जरूर चाहिए। अब आदमी अगर बनाते हैं, वैसे तो आजकल मॉडर्न आर्ट में आदमी की शक्ल नहीं भी मिल रही तब भी कोई बात, एक आंख बना दी तब भी बन चल पड़ता है। आज वो बन गए शिव जी बना दिए, एक ही आंख बना दी शिव जी बन गए। रामचंद्र जो है ना बनाया उसमें सिर्फ, यानी कृष्ण बनाया तो उसमें मोर पंख बना दिया तो कृष्ण बन गए। राम के पास जो है वो धनुष बांध दिया तो राम बन गए, चाहे वो शक्ल आ रही चाहे नहीं आ रही। लेकिन वो क्योंकि वो इसी तरह से देखा हुआ है अक्षरों को, तो अगर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है तो क्या फर्क पड़ता है, पता तो चल रहा है कि भी क्या है। अब हम दोबारा से चलते हैं और अब उसको और अच्छी तरह से हम उसको शेड बनाते हैं, समय देखते हैं। अब देखिए हम दोबारा से ए बनाते हैं, अब हम इसको और सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। ये ए, ये ए है। अब हम इसको यानी एक इस वो कहते हैं ना 3D टाइप बनाते हैं, इसको हम 3D में बनाते हैं, ये जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई का पता चले। तो अब लग रहा है कि नहीं कि ये मोटाई भी है ऊंचाई भी है चौड़ाई भी है सब कुछ है इसका, इसलिए इसे क्या कहेंगे 3D। यहाँ जो है वो थोड़ा सा इसको, क्योंकि जितना ये उतना ये होना चाहिए। ये अगली जो है जब बच्चे जो है वो बना लेंगे इस, जो इससे पहले हमने बताया उसके बाद जो ये अगला स्टेप है कि आगे जो इस तरह से होगा, इस तरह से होने के बाद फिर इसमें शेड होगी। हम एक अक्षर में शेड करेंगे, बाकी जो है हम बिना उसके बनाएंगे, क्योंकि बाकी जो है अभी हम आज ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि कैसा होगा। यहाँ भी ये देखिए ये, क्योंकि 3D तभी बनेगा जब आपको मोटाई सारे में लगेगी अक्षरों में, ये और यहाँ भी इसमें अब ये 3D अक्षर बन गया हमारा, 3D ए बन गई। इसमें ऊंचाई भी है, यानी लंबाई ऊंचाई की बात है, और चौड़ाई भी है और ये मोटाई भी आ गई, तो इसलिए 3D अक्षर हमारे बनते जा रहे हैं। इसी तरह से हम सारे बनाएंगे, लेकिन हम शेड जो है सब में नहीं बनाएंगे। बी ये देखिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, अब हम इसमें 3D बनाते हैं, इसको शेड करते हैं, ये मोटाई बनाते हैं, ये मोटाई देखिए
यहाँ भी, क्योंकि अंदर भी मोटाई होती है इसमें अक्षर जो है, थोड़ा सा यहाँ भी जो है वो ये मोटाई की तरफ को आए, ये भी है। फिर हम सी बनाते हैं, सी सी और जी एक ही तरह के, लेकिन जी में अंदर को है, सी बाहर को है, और इसमें हम ये जो बाहर 3D के लिए मोटाई इसको बनाते हैं ऐसे करके मिलानी है, ये इसमें मोटाई बन गई है सी। डी ये देखिए, थोड़ा यहां से इसको लेना है और बराबर होनी चाहिए इसकी, ये ऐसे सी डी। यहां भी क्योंकि इससे चौड़ा ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ले लेते हैं इसको इस तरह से, तो ये हमारा जो है वो ये हमारी मोटाई अंदर से जो है मोटाई आ जाएगी। ई ए बी सी डी ई ये देखिए, ई ई के लिए हमने इसको मोटाई में लाना है, ये अब यहां पर जो है वो थोड़े उलझ सकते हैं बच्चे, जो है वो उलझ जाएंगे शेड में, जो मोटाई है इसमें थोड़ा उलझ जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा हम शेड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अलग लगे कि भाई इस मोटाई में शेड करने से इसकी मोटाई जो है वो दिखाई देगी। थोड़ा हम दूर दूर रखेंगे ताकि पता चल सके कि ये अक्षर कैसा है। दोबारा बनाते हैं इसे, ऐसा करके बनाते हैं इसको, ठीक है। ये इसमें 3D जी जी देखिए, ये बिल्कुल सी की तरह, लेकिन आगे ले आओ इसे, ये और यहां से अब इसे 3D बनानी है। यहां इसके साथ मिला देगा इसको, और जब इसमें अभी आपको जब शेड इसमें होगी तभी पता चलेगा कि ये इसकी मोटाई ये है, अभी नहीं चलेगा। कुछ अक्षर हम लिखेंगे बाद में जिसमें शेड होगी, अभी जो है हम इसको एक तरफ से ही शेड होगी, ध्यान रखना। उसके बाद एच, ये एच इसमें हम 3D बना देते हैं इसको, ये आपको मोटाई लग रही होगी इसमें, एच आई ये हमने ऊपर लगा छोटी आई की तरह हमने इसको बना दिया। अब इसमें हम शेड करते हैं, यानी 3D इसको बनाते हैं, ये जी इसको अब 3D में बनाते हैं, ये 3D ये कैसे करके बननी ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसे कलाकार ही कोई है वो समझ सकता है, लेकिन जब बच्चे जो है उसमें कोशिश करते रहेंगे तो उनको जो है वो 3D भी पता चल जाएगा। ये यहाँ से अब ये रह गया हमारा, ये देखिए जे के
इसको हम में बनाते हैं। थोड़ा चॉप करते हुए हाथ वो फिक्स हो जाता है ये चीज के, ऐसे यहां भी थोड़ा सा इन करके ये यहां ये या तो ऊपर से ही आएगा या नीचे से ही आएगा। इसे हम नीचे से ही ये शेड बनाते हैं, ऊपर से इसे रहने देते हैं। ये बड़ा देख के इसकी शेड जो है, इसका जो 3D है वो देख के करनी पड़ती है, ऐसा ना मोटाई कहीं और हो और दिखे कहीं और। एल और बना लेते हैं और सुंदर, यहाँ से यहाँ लेंगे थोड़ा सा इसको, थोड़ा इसे ऊपर ले जाना है थोड़ा। ये पहले ही है, ऐसा नहीं है कि बाद में लाना है, ऐसा नहीं, दोबारा बना सकते हैं एक ही लाइन में, जब आदत हो जाएगी तो। इसे 3D बना लेते हैं, एल जे नहीं एल जे के एल, ये एल था हमारा जे के एल एम। अब एम ये देखिए, एम देखो, एम दो तरह से, इस सेंटर को नीचे लाया, इनको ऊपर रख दिया, इससे उल्टा भी हो सकता है। ये देखिए ये, और ये हम ऊपर रख सकते हैं ये ऐसे ऐसे। अब हमने ऊपर रख दिया ये वाला बीच का, और उसमें हमने नीचे लाया होता। अब इसको 3D बनाते हैं हम, ये एम, इसके बाद एन, एन थोड़ा तीखा हो गया, थोड़ा और बना लेते हैं ऐसे, बना लेते हैं इसको 3D बना दें, ये 3D बन गया। इसमें इसको भी हम 3D बनाएंगे, ये देखिए इसमें इस साइड को जो है वो लगेगी, इधर से भी पतला होगा इधर से भी पतला होगा, और अंदर भी इसमें ये इस तरह से आएगा, यानी अंदर भी इसमें दिखेगा कि यहाँ मोटाई है। इसको भी 3D बनाते हैं, क्यू ये मिला के इसमें थोड़ा सा हमें दोबारा से वो करना पड़ता है, बाकी बहुत कम अक्षर, दो चार अक्षर ही होंगे ऐसे जिसमें हमें कलम उठानी पड़ती है या पेन उठाना पड़ता है। थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा इसमें कि भी कहाँ क्या किस तरह से जो है वो 3D का शेप आएगी। क्यू ओ पी क्यू आर आर ओ पी क्यू आर आर देखिए,
थोड़ा सा यहाँ से हो गया, तो दोबारा बनाते हैं, ऊपर को बड़ा बना लेते हैं, ओ पी क्यू आर, और इसमें हम थ्री डी को बना लेते हैं ऐसे। इसे थोड़ा सा यहाँ आता है, आएगा यहाँ थोड़ा सा, थोड़ा दिखेगा जो ऊपर हो गया उसमें दिखेगा, लेकिन ये डबल सा दिखेगा इसलिए हम इसको रहने देंगे ऐसे। एस, ये एस फिर बना लेते हैं, यहां से बना लेते हैं, इसको अब 3D में लाते हैं, यहां जरूर आएगा नीचे, ये जो नीचे को आ रहा है ये इसमें जरूर मिलेगा। आर एस टी, ये टी, इसको 3D में बनाते हैं, ये बस, तो यहां भी लगेगा, आर एस टी यू, ये यू, इसको 3D बनाते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, इतना कमाल है, यू, आर एस टी यू वी, इसको भी 3D में लाते हैं, W, चलो थोड़ा सा ऐसे ले लेते, इसको 3D बनाते हैं, ये हमारी मोटाई आ गई, यानी 3D में आ गया। X, K ना लगे इसलिए इसको थोड़ा यू ले, इसको ये 3D ऐसे ले, X, Y, दूसरी तरह से लेनी है, तरह से लेते हैं, ऐसे ले, ऐसे भी ले सकते हैं, सब कुछ नहीं, पर हम इसको ना इधर ना उधर ऐसे करके बना लेते हैं, इसको 3D में बनाते हैं, जेड कैसे भी बना सकते हैं लेकिन जेड लगना चाहिए ऐसे, ऐसे इसको 3D में बनाते हैं, यहाँ ये हमारा पूरा अल्फाबेट जो है वो वर्णमाला पूरी अंग्रेजी की हमने नए तरीके से लिखी है, मॉडर्न आर्ट में लिखी है, और ये इस तरह की आपको कहीं नहीं मिलेगी इस तरह की, और इसमें चाहे इसकी ज़रूरत है नहीं है लेकिन इसमें बच्चे जो है ना इसमें खुश रहेंगे, अगर बच्चों को आप बताते हैं या बच्चे इसको देखते हैं तो इसमें बच्चे जो है देखते हैं कहाँ से लाइन लगेगी कैसे लगेगी क्या है मॉडर्न आर्ट कैसे बनेगा, बच्चे जो है इसमें मस्त रहेंगे इसमें या बिजी रहेंगे इसमें। अब हम कोई नाम लिखते हैं, अगर हम इन्हीं अक्षरों में नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं मान लो प्रभात लिखते हैं, किसी का नाम है मान लो ये
अब इसमें हम ये नहीं लेंगे कि कहाँ बनना क्या बनना, हमने बस एडजस्ट करने हैं ये प्रभात, ये भी हमने यहाँ ये भी और यहाँ एच हमने बना देना ये एच ए ए यहाँ बना देते हैं क्योंकि टी के लिए जगह चाहिए हमारे को ये, और यहाँ हमने टी बना दिया अपने आप चलता है ये टी ये पदार्थ। अब इसको हम शेड करते हैं दूसरे कलर से करें देखें कैसा लगेगा, शायद ना अच्छा लगे। इसी इसमें लिखते हैं इसी कलर में ये हमने 3D इसको बना दिया। अब इसमें हम शेड कर देते हैं यानी थोड़ा इसको भर देते हैं रंग से इसी, क्योंकि तब जो है वो जो लिखा है वो उभर कर आएगा। लगभग ये 3D इस तरह से बनेगा ये। रामलाल लिख लेते हैं अक्षर दिखने चाहिए, ये बेशक इसके पीछे छुप गया है लेकिन आ ए जो है वो दिखनी चाहिए कि ए है। राम ही लिखते हैं ऐसे राम ही लिखते हैं। अब इसमें आप 3D बनाओ इसको
अब इसमें वो शेड करनी चाहिए, लेकिन अब इतना समय नहीं है, लेकिन ये हमने 3D अक्षर इस तरह से बनाते हैं। लड़की का नाम किसी का ललिता, L A L। अब यहाँ आई, ये आई, अब हमारे को टी और ए के लिए जगह चाहिए, यहाँ हम टी डाल देते हैं टी, और ये हमारे पास ए के लिए जगह बन रही है ललिता। अब अगर हम इसको 3D में लेते हैं, ललिता। अब इसमें आप शेड कर सकते हैं, अब इतना तो नहीं हम कर सकते, पर फिर भी कोशिश करते हैं। ये ये हमारा ललिता यहाँ रह गया। ये ललिता है। अब इसमें 3D पूरे जो है हमने 3D डाले हैं, 3D अक्षर बनाए हैं सारे के सारे। ये है जो कि मॉडर्न आर्ट में हम अक्षर बना रहे हैं, तो इसमें आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर बेस आ जाता है, बेसिक चीजें आ जाती है समझ में, तो आगे तो फिर कोई बात नहीं, आगे तो फिर आप अपने हिसाब से भी बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बता दिया उतना ही होता है, इसमें आप आगे चल सकते हैं, अपनी तरह से इसको बना सकते हैं। एक और नाम लिख देते हैं, कल्पना। देखो इसमें आता है कि नहीं आता है, ज्यादा ही तो नहीं बना दिया हमने। यहां लेते हैं अब इसको हम, ये हमें देखो ये देखिए नहीं, थोड़ा छोटा बना देते हैं, पूरा आना चाहिए।
हमने, थोड़ा पीछे से लेते हैं हम इसको, तो आया चलो हमारा काम बन गया है कल्पना। अब इसमें वही 3D, तो 3D हम नहीं डालेंगे, टाइम लगेगा। और कोई लिखते हैं सुषमा, ऐसे करके लेते हैं इसको, ये यू यू नहीं बना, एस ठीक नहीं है, जगह छोटी हो गई। राजवीर, ऐसे ही करते हैं, वैसे तो डबल होनी चाहिए थी। तृप्ता, एक लिए इधर को जगह बच जाए। अब लिखते हैं रमेश, एरेगा बीच राजेंद्र, रहने देते हैं रजिंद्र, डी बीच में बता गई, राजा नहीं करते हैं।
इसमें इसको 3D बनाना इतना आसान नहीं है, बड़ा सोच समझ के बनाना पड़ेगा। अगर कोई शौकिया है, कोई कलाकार है, वो तो अपने बच्चों को बता सकता है, लेकिन सब जो है नहीं है, थोड़ा सोच के करना पड़ेगा बच्चों को भी। तो ये बच्चों के लिए आज हमने बिल्कुल नए, हालांकि है पुराने ही है, यानी हमने इसको आज से 50 साल पहले इसकी खोज की थी, इन शब्द अक्षरों की। तो हालांकि डाली है इसमें, और भी पहले डाले हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचा है, ना बच्चों तक पहुँचा है, इसीलिए हमने इसको दोबारा से जो है हम इसको यूट्यूब पर डाल रहे हैं और लाइव डाल रहे हैं इसीलिए। तो ये जो है हमने आज का जो हमारा विषय था मॉडर्न आर्ट का, और जो कैलीग्राफी है उसकी अंग्रेजी की, उसको नया रूप हमने दिया, मॉडर्न आर्ट में हमने इसको बदला है। तो ये सभी को अच्छा लगा होगा। अगर मान लो ज़्यादा इसको लाइक करते हैं तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो इसी को रिपीट करते रहेंगे। थैंक्स। TH AN रेडी फिर टीचर, धन्यवाद। तो हिंदी में भी करते हैं, धन्यवाद।